धात्री के पक्षी अभी से आकाश में उड़ गए, अवश्य किसी विपदा का संकेत दे रहे हैं। मुझे संकट का आभास हो रहा है। है नहीं हनुमान, मैं अभी पता लगाता हूँ। क्या हो रहा है? आकाश से शिलाखंडों की वर्षा हो रही है। ये तो कोई बड़ी विपदा है। हमारी रक्षा करिए, संकटमोचन हनुमान, हमारे संकट से रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा करिए। मुझे ज्ञात करना होगा कि क्या हो रहा है। शांत हो जाओ, बचाओ, हमारी रक्षा करो, बचाओ। रुको, शांत हो जाओ, भागने का कोई लाभ नहीं। अब यदि हमारी कोई रक्षा कर सकता है तो वो संकटमोचन हनुमान ही कर सकते हैं। हनुमान, हम सभी वनवासियों की रक्षा करिए। आज लंकेश दशानन का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। ये सुमेरु बाढ़ में विलीन होकर नष्ट हो जाएगा। लंकेश के उकसावे का उस वाली पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने स्वयं अपने ही समर्थकों और सहयोगी राज्य सुमेरु को संकट में डाल दिया। ये क्या? ये तो वही दुष्ट वानर बालक है। इस दुष्ट
वानर बालक से सतर्क रहना होगा। विशालकाय विस्तार नाग की भांति आगे बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए मुझे शीघ्र कुछ करना होगा, परंतु क्या करूं मैं? बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, बचाओ बचाओ, चारों ओर पानी है, रक्षा करो, बचाओ बचाओ, भागो, बाढ़ का पानी चारों ओर बढ़ता जा रहा है। शांत हो जाइए आप सब लोग। काल लोक पर विजय पाने वाला, मुझे प्रेत लोक से लौटा कर लाने वाला हनुमान हम सब की रक्षा अवश्य करेगा। हनुमान हमारी सहायता करो। हनुमान शीघ्र ही तुम्हें सबकी सहायता करनी होगी। प्रभु बचाइए, हनुमान बचाइए। धैर्य रखिए, संकट के समय में धैर्य और विश्वास ही विजय का मार्ग सुझाते हैं। सृष्टि की सब विपदाओं को हरने वाला है हनुमान। दिव्य शक्तियों का स्वामी है, महादेव का आशीष है उसे, रुद्रांश है वो। संकट मोचन हनुमान इस संकट को भी टालेगा। इस विशाल पर्वत से मैं सुमेरु की रक्षा कर सकता हूँ। ये क्या, ये वानर बालक उस पर्वत की ओर क्यों जा रहा है? नहीं कालने भी, कुछ करना होगा, इस वानर बालक को रोकना ही होगा। तू कैसे? यदि मैंने इस वानर बालक के साथ युद्ध किया तो ये मेरा वध कर देगा। नहीं कालनेमी, नहीं कालनेमी, तुझे छल से ही ये कार्य पूर्ण करना होगा, छल से। कालनेमी का छल इस दुष्ट वानर बालक का बल निष्फल कर देगा। यहां तक आ गया जल, अब कोई आसान नहीं की स्थिति है। शांत हो जाइए आप सब। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि का घना अंधकार सूर्य के प्रताप से समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मेरे हनुमान का ओज सब संकट और निराशा को समाप्त कर देगा। विश्वास कीजिए हनुमान पर, वो किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचने देगा। से बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। त्रिजितान तक चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं तुम्हें मुक्त कराने। इस गरुड़ बालक के चारों ओर अग्नि का चक्र बनाकर इसे बंदी बना दूंगा। ये गरुड़ इस अग्नि के चक्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तब हनुमान को स्वयं आना पड़ेगा इस
गरुड़ बालक को मुक्त करने के लिए। अग्नि से बाहर निकालिए। कपटी असुर ने ऐसी मायावी अग्नि का जाल रचा है, हम उसके भीतर जा ही नहीं पा रहे हैं। मेरी रक्षा करो। गरुड़ बालक को बचाने के लिए तो मुझे पीछे मुड़ना होगा, परंतु तब बाढ़ का पानी सुमेरु तक पहुंच जाएगा। कोई मेरी रक्षा करो। इस धुएं के कारण मेरी सांस रुक रही है। अब क्षणिक देर भी उचित नहीं। सर्वप्रथम मुझे इस अग्नि चक्र को भेद कर गरुड़ बालक को बाहर निकालना होगा। हनुमान दोस्त अग्नि की तरफ जा रहा है। उस अग्नि से इतना धुआं उत्पन्न हो रहा है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। एक ओर ये विकराल अग्नि और दूसरी ओर ये भयानक बाढ़। महादेव, मेरे पुत्र को शक्ति दीजिए, वो उन दोनों महासंकटों को टाल सके। वानर बालक, इस अग्नि चक्र में प्रवेश तो तुमने कर लिया। प्रतीत होता है ये मायावी अग्नि चक्र है, किंतु इस गरुड़ बालक को बचा नहीं पाओगे। मैं अपनी माया से तुम्हें भ्रमित कर दूंगा। दुष्ट वानर बालक, इतनी सहजता से मैं तुम्हें इस गरुड़ बालक का संधान कर अग्नि चक्र से बाहर नहीं लाने दूंगा। वानर बालक, मैं अपनी माया से अनेकों अग्नि चक्र उत्पन्न कर दूंगा। ये माया जाल से उत्पन्न हुए इतने सारे अग्नि के चक्र, मुझे शीघ्र ही इनका संधान करके वास्तविक गरुड़ बालक को यहाँ से निकालना होगा। वानर बालक, तेरे साथ छल करके मुझे बहुत आनंद आता है। इस गरुड़ बालक की रक्षा करने के लिए तुझे पीछे मुड़ना पड़ा, मेरी माया से तेरा ध्यान भट गया। हनुमान, स्वामी, मुझे हनुमान दिखाई नहीं दे रहा है। यदि इस अग्नि में हनुमान का जीवन स्वाहा हुआ तो हम सबका जीवित रहना व्यर्थ है।
तो यही उचित है कि हमारा जीवन भी नष्ट हो जाए। असंभव। मेरे पुत्र हनुमान को कुछ नहीं होगा। अनेकों बार उसने अग्नि के कोप को शांत किया है। अग्नि से उसे कोई हानि नहीं हो सकती। अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त है उसे। मेरे हृदय में लेश मात्र भी शंका नहीं है। इस मायावी अग्नि चक्र को भेदने में मेरा पुत्र पूर्ण समर्थ होगा। अभी इस अग्नि चक्र से सकुशल बाहर आएगा मेरा पुत्र। कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र को, कुछ नहीं होगा। इस मायावी छल को प्रभावहीन करने का एक उपाय है मेरे पास। मैं इसे शीतल वायु से शांत करूंगा। हनुमान ने उस अग्नि को बुझाकर गरुड़ बालक को बचा लिया। इस वानर बालक ने मेरे सारे प्रयास असफल कर दिए हैं। अब मुझे स्वयं इसे रोकना होगा। कुटिल असुर अब तो हनुमान के पास नहीं, सीधा कालदेव के पास जाएगा। जटायु, तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम दशानन लंकेश रावण के अनुचर कालनेमी का सामना कर सको। और यदि सामना करना ही चाहते हो तो ये लो। गरुड़ बालक को जल के मार्ग से हटाना होगा। इन्हें तो बहुत पीड़ा हो रही है। मैं गरुड़ बालक के तान तक और मैं हनुमान। मित्र, तुम्हारे लिए स्थान सुरक्षित नहीं है। शीघ्र ही उड़ान भरकर अन्य गरुड़ों के पास जाओ। मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा। तुम अपना ध्यान रखना मित्र। क्या
मेरे पंख ही नहीं हिल रहे हैं, उड़ान भरने में असक्षम हो गया हूँ। यदि मैंने पुनः हनुमान भैया को बुलाया तो वो सुमेरों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेरे प्राण सबके प्राणों से अधिक मूल्यवान नहीं है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.